आज है ट्यूसडे। 3 दिन के बैंक हॉलिडे के बाद आज मुझे काम के लिए जाना है। जो जान पे आ रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि काम पे जाओ, पर काम तो काम होता है, जाना पड़ता है। 3 दिन की छुट्टियों के बाद ऐसा लग रहा है कि यार ना, मैं अभी किसी लड़ाई पे जाने वाला हूँ, बट आज जाना पड़ेगा क्योंकि आज रिव्यू मीटिंग होगा हमारा। हर फोर्टनाइटली एक रिव्यू मीटिंग होता है, तो जो 15-16 तारीख को होने वाला रिव्यू मीटिंग इस बार नहीं हो पाया, तो वो आज आज के दिन में होगा शायद से। तो कॉलेज लाइफ अच्छा था कि दिल लगा तो कॉलेज अटेंड कर लिया, नहीं लगा तो बंक कर दिया। बट लेकिन जब आप जॉब में लगते हो तो वो दिन मिस करते हो कि यार हम अच्छे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, अपने पापा जाते थे ऑफिस के लिए, काम करते थे, पैसा कमाते थे और हम अच्छे से बंक मार देते थे। आई एम मिसिंग दोज डेज। देखो गाइस, क्या मस्त आराम चल रहा है। सही में यही लाइफ है, यही वो लाइफ का एक पार्ट है जहाँ आप अच्छे से सो सकते हो, टेंशन फ्री रहते हो। तो मैं इस लाइफ को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको अभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है। ये बहुत बढ़िया फेज चल रहा है मेरी डॉटर का, इस लाइफ का, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। जब ये बड़ी हो जाएगी तो उसके पीछे एक गोल अचीव करो, टारगेट अचीव करने का एक प्रेशर कंटिन्यूसली चलेगा। सो अच्छा हूँ तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अपना काम, अपनी जो भी रेडी होना है, मैं धीरे से रेडी होके बाहर निकल जाता हूँ। सो इसको सोने देते हैं। एंड वेलकम बैक गाइज। अभी मैं हो गया हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए, फुल रेडी है। अभी बज रहा है 10, देख सकते हो आप, 10 बज गया है। मुझे हो गया है आज लेट, बहुत सारा लेट हुआ है, बट हफ्ते में एक या दो बार थोड़ा लेट चल जाता है, तो कोई दिक्कत इशू होता नहीं है। तो अभी तक मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया है किसी चीज़ का कि आज कोई कॉन कॉल होने वाला है और रिव्यू मीटिंग होने वाला है, बट कोई भरोसा नहीं होता है। 11th आवर को हमें बता दिया जाता है कि आपको अटेंड करना है और फिर रिव्यू शुरू स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आज इस बार मैं तो रेडी हूँ, मेरे पास तो सब डेटा मेरे पास रखा हुआ है, तो उसको सिर्फ जाके कंपाइल करना है और वीडियो अटेंड करना है। अभी नाश्ता रेडी है। मैं एक्चुअली सीजनल फूड बहुत खाता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं, वाटर मेलन है, कट किया हुआ है क्योंकि तेजू को इतना वक्त नहीं मिला कि वो उसको जूस बनाए। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, फैट लॉस प्रोग्राम में हूँ या वेट लॉस प्रोग्राम में हूँ या बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम में हूँ, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं जो सीजनल फ्रूट है उसको मैं हमेशा कंज्यूम करूँ। अभी मेरा वहाँ पे चल रहा है, इसका रेडी हो रहा है मेरा टिफिन। तो टिफिन में आज तेजू बना रहे, क्या बना रहे हो भाई? मूंग दाल चीला। यस, मूंग दाल चीला बनने जा रहा है। तो मूंग दाल चीला कैसे बनाते हैं उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन आ रहा होगा उस पर भी आप जाके देख सकते हो। तेजू का फूड रेसिपी पे वो वीडियो अवेलेबल है, फिर भी मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे आप लिंक कर रहा होगा तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। तो चलो मैं अभी मैं अपना जो भी ब्रेकफास्ट है वो कर लेता हूँ। कॉफ़ी जो होगा, मैं कॉफ़ी अभी नहीं कंज्यूम करूँगा क्योंकि वाटरमेलन खाने के बाद नहीं जो कॉफ़ी पीऊँगा तो बहुत टेस्ट मेरा ख़राब हो जाएगा। उससे बेटर है कि मैं कॉफ़ी लूँगा, तो कॉफ़ी लेने के लिए मैं थर्मास रहता हूँ, थर्मास में पूरा बॉइल्ड वाटर लेके जाता हूँ। ऑफिस में एक मेरा कप है वहाँ पे, तो और सैची कैरी करता हूँ, ब्रू कॉफ़ी का सैची कैरी करता हूँ, ब्रू या जो भी मिल जाए, नेस्कैफे जो भी मिल जाए मैं उसको लेके जाता हूँ। कॉफ़ी वहीं पे कॉफ़ी बना लेता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम कर लेता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तेजू ना अभी हो गई है परेशान, उसका एक पेन ड्राइव जो लिया था हमने वो कहाँ रख दिया, वो भूल गई है। अब पूरा घर को वो देख रही है कहाँ कहाँ वो पेन ड्राइव मिल जाए और कहाँ से उसका डेटा मैं रिट्राइव कर लूँ। सो गाइस, मैं अभी आया हूँ ऑफिस से, 6:30 बज गया था मुझे ऑफिस में, ऐसे ऑफिस से आते आते। और जब मैं घर पर आया हूँ, मैंने बोला था तेजू को कि यार अपने को थोड़ा पैकिंग वगैरह करना है, तो तेजू ने पैकिंग तो किया है, पैकिंग नहीं किया है एक्चुअली, जो
सामान रहता है, छोटा मोटा सामान रहता है। वैसे पैकेजिंग वाला जितने भी लोग रहते हैं वो तो पैकेजिंग कर ही देते सब चीज़ों की, बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो माइनर चीजेस होती है, माइनर चीज़ें होती है जो हमें, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, गार्गी आ गई थी, उसको एक बॉक्स चाहिए था, अभी वो बॉक्स खिलौना का बॉक्स है उसे दिख गया है, और अभी वो जिद करके बैठी है कि मुझे वही बॉक्स चाहिए खेलने के लिए, तो मैंने उसको समझा बुझा के कटवा दिया यहाँ से। अगर वो यहाँ पे रहेगी तो और ज़्यादा जितना भी सामान है वो यहाँ वहाँ फेंक देगी, इससे अच्छा कि उसको समझा बुझा के मैंने आगे भेज दिया है। जैसे मैं बात कर रहा था कि जो माइनर चीज़ें होती है जिसे हमें डे टू डे लाइफ में लगती है, तो वो चीज़ें हमें खुद से ही रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ अगर हम बोल देंगे कि यार पैकेजिंग वाले को कि आप ही उसको अरेंज करो, तो बहुत बार होता है कि हम तो निकल लेते हैं और ढूंढ नहीं पाते कि एक्चुअली वो कहाँ पे है। अभी देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ पे ना हमने पूरा निकाल के रखा है, तो ये पूरा सामान जो अरेंज होगा और ये पैकेजिंग वालों के पास में जाएगा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसका पूरा पैकेजिंग करना, और ऑल छोटा छोटा मोटा चीज़ें हैं वो हमें खुद से ही पैक करनी पड़ेगी। बाकी ये तो सब तेजू ने निकाल दिया है पूरा, अभी ये जो रूम है वो तो पूरा आप देख रहे हो मेस्टअप हो गया है, तो ये सारी चीज़ें अभी पैक होगी, और जो बड़ी चीज़ें होगी हम बोलेंगे पैकेजिंग वाले को कि आप पैक कर दो, और छोटी छोटी चीज़ें होगी वो हम पैक कर लेंगे। मिल गया भाई? नहीं मिला, ये औरत ने कहीं तो भी रख के भूल गई है, ये इसके साथ हमेशा का दिक्कत है, ये हमेशा कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें होती है मुझसे, मुझे बोलती है कि मैं रख दूंगी अच्छे से आप मत रखो, और खुद ही ले दे के भूल जाती है। देखो गाइज ये देखो, ये कपड़े पूरा निकाल के रखा है इसने, अभी ये पूरा पैक करना पड़ेगा। और हमने ना यहाँ पे कॉट नहीं लिया, कॉट इसके लिए नहीं लिया था कि गार्गी बहुत छोटी थी, डर था कि वो बेड से गिर जाएगी और बेड पे सोने में थोड़ा दिक्कत था उसको, तो हमने प्रेफर किया कि बेड नहीं लेंगे, नीचे ही सोएंगे, तो नीचे सोने में भी मुझे बहुत, एक्चुअली तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ये दोनों माँ बेटी मेरे पीछे पड़ी कि हमें कॉट लेके दो, तो मैं तो अभी टाल रहा हूँ, अभी इस बार तो गया क्योंकि कार लिया है और शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो इस बार तो कॉट नहीं लूँगा मैं, इस साल तो भी कॉट नहीं लूँगा, अगले साल दिवाली में देखेंगे। तो ये सब मोटी मोटी चीज़ें हैं, गार्गी तो अभी कार्टून देख रही है वहाँ पे, मैडम जी तो देखो ढूंढ ही रही है, सब सब का सब पर्स चेक कर चुकी है फिर भी नहीं मिल रहा है, वो छोटे सा पेन ड्राइव अभी कहाँ रख दिया और कहाँ भूल गई इसको ही पता। हाँ भाई मिल जाएगा, जब ये पकड़ी जाती है ना किसी चीज के लिए तो ये मुंह बंद कर लेती है अपना, फिर बाद में भड़ास निकाल देगी। ये सारे क्या क्या ऐसी चीजें आपके घर में भी होती होंगी तो कमेंट बिलो। तीजू वहां पे खड़ी है, उसको अभी भी उसका पेन ड्राइव नहीं मिल रहा है, तो अभी सोच में पड़ी कि मैं क्या करूं, बाहर बाहर बच्चों को खेल के अपना गुस्सा निकाल रही होगी। कैसे भूल गए भाई आप रखना? जब पता है कि आ गई लाइट भी आ गई तो आप अभी देख सकते हो। परेशान हो गई है, बहुत देर से ढूंढना चालू है उसका बट मिल ही नहीं रहा है, और ये देखो गार्गी अभी लाइट आ गई तो गार्गी देखो। हाँ क्या कर रहे हो बेटा? यार ये सबसे बढ़िया लाइफ फेज होता है, ये लाइफ का बहुत बढ़िया फेज होता है, कोई टेंशन नहीं होता है बच्चों को, अगर कोई चीज़ से कोई माँ बाप परेशान है तो उनका कोई उससे मतलब नहीं होता है। सो यार आई एम रियली फैसिनेटेड विद दिस लाइफ फेज ऑफ लाइफ, मुझे बहुत पसंद आता है। अगर हम सोचते हैं ना कि अगर आपको बचपन जीना है तो अपने बच्चों में वो बचपन ढूंढो, तो वैसे ही मैं अपना बचपन मेरी बेटी में ढूंढते रहता हूँ। देखिए गाइस ये गार्गी का छोटू सा पर्स, कहाँ से लिया है हमने ये पर्स, कहाँ से लिया बेटा पर्स? डीमार्ट से ये पर्स हमने उठाया था, डीमार्ट से, ये डीमार्ट में या
कहीं किसी मॉल में जाती है तो कुछ ना कुछ उस खुद के लिए उठा के लेके ही आती है, पर हमको लेके देना ही पड़ता है, नहीं तो ना बहुत हल्ला करती है। सो है गाइज, बहुत बहुत ढूंढने के बावजूद भी हमें वो पेन ड्राइव नहीं मिला है, कहाँ रख दिया है पता नहीं। जब हम सामान शिफ्ट करेंगे शायद तब मिल जाए, तो मिल जाए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे भी मैं नया आप वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। सो फॉर टुडे गाइस, साइनिंग ऑफ।